लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अति उत्साह में नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि 4 जून को परिणाम उन्हीं के पक्ष में आएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा ने कहा कि जो लोग झोला लेकर आए थे वे खाली झोला लेकर चले जाएंगे। आगामी 4 तारीख को लोकसभा के चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, उसको लेकर बीजेपी जश्न की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि 2004 में जब इंडिया शाइनिंग था तब भी यही हालात थे। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी। आज हमारे बीच में प्रमोद महाजन नहीं है, लेकिन उनकी भूमिका अमित शाह और पर्ची वाले मुख्यमंत्री अदा कर रहे हैं। जनता ने जो वोट डालकर खटखट किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मन में टकटक हो रही है। 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे उस समय सब साबित हो जाएगा। जो लोग खाली झोला लेकर आए थे वे खाली झोला लेकर चले जाएंगे। देखिए, 2009 में जब शाइनिंग इंडिया था यही हालात थे। वो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी। हमारे बीच आज प्रमोद महाजन जी नहीं है, और मेरे ख्याल से आज वो प्रमोद महाजन जी की भूमिका अमित शाह जी और मध्य प्रदेश के पर्ची वाले मुख्यमंत्री अदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। उनके मन में जो जनता ने खटाखट करा है, मन में धकाधक हो रही है, इसलिए बयान सामने आ रहा है। 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और झोला लेकर अकेले आए थे अकेले चले जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।